डॉक्टर रजनी गुप्त जी ने जो डायरी लिखी है उसे डायरी का शीर्षक है स्त्री घर। इसमें हमने पहले 2 दिनों की डायरी को पढ़ा है, आज हम तीसरे दिन की डायरी की ओर बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2000, मतलब देखिए कि फरवरी 1999 के बाद लगभग 1 वर्ष बाद उन्होंने तीसरा दिन लिखा है। और देखिए पहले 2 दिनों में उन्होंने अपने युवावस्था खास करके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बिताए हुए दिन और वहाँ से बिछड़कर विवाह के लिए उत्तर प्रदेश जाना, इसको स्वीकार किया था। अब उसके उपरांत हम देखते हैं कि 20 फरवरी 2000 के दिन क्या है। हेलो, अपना अपनी आवाज बंद कीजिए, अपनी आवाज बंद कीजिए, म्यूट कीजिए अपने आप को। 20 फरवरी 2000, खुली आंखों से रात सरकते देखना कितना दुश्वार, कितना घोर यंत्रणादायक होता है। देखिए जब मनुष्य खास करके वैवाहिक जीवन के उपरांत जो टेंशन्स, तनाव उत्पन्न होते हैं, उससे नींद रात भर नहीं आती, और ऐसे ही बिना नींद के खुली आँखों से रात को सरकते देखना कितना घोर यंत्रणादायक, यंत्रणादायक मतलब वेदनादायक होता है, यह वह बता रही हैं। लेकिन सोचते सोचते रात काट दी, विचार करते करते रात बीत जाती है। हजारों ततैयों से दंशित, डंक से देह कराह रही हो जैसे। ततैया मतलब एक विशिष्ट प्रकार का बिच्छू, यानी हजारों बिच्छू जिस प्रकार काटते हैं, काटने पर, डंक मारने से जिस प्रकार देह में वेदना निर्माण हो जाती है, एक प्रकार से यूं कहेंगे कि पीड़ा निर्माण हो जाती है और उससे देह कराहती है, उस प्रकार का दर्द इससे हो रहा है। जहर पूरे शरीर में दौड़ रहा था, लगा जैसे बलून फुलाते फुलाते वह बीच में ही जोर की आवाज से फूट गया। बलून यानी फुगा, फुलाते फुलाते अचानक फूट गया। तो क्या ऐसे बैलून फूटने के लिए ही थे? यानी लेखिका अपने आप से पूछ रही है कि जो दुख दर्द उन्हें हो रहा है, वो दुख क्या वो सहने के लिए ही निर्माण हुई थी? क्या वे कमजोर थे? क्या ऐसे बलून जो फूलते फूलते फूट गए, क्या उनकी के वो कमजोर थे? क्या यही उनकी नियति थी, उनका नसीब यही था कि वो फूटने के लिए ही बने हो? माँ कहती है, अब ध्यान रखिए, वो अपनी बेटी को, रजनी गुप्ता जी अपनी बेटी को समझाते समझाते उसकी माँ ने उन्हें क्या समझाया था, ये समझाने की कोशिश कर रही है। माँ कहती है, संघर्षों की आंच में जो तपा नहीं, आंसुओं की बाढ़ ने जिसे डुबोया नहीं, उसने जीना सीखा ही नहीं। ध्यान रहे, मनुष्य का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है, इसमें संघर्ष बहुत होता है। संघर्ष किसी को भी नहीं टला है, और जो संघर्षों की अग्नि में तप करके कुंदन बन जाता है, जो आंसू बहाता है, आंसुओं की बाढ़ जिसे डुबोती है, उसने ही जीना सीखा है। ध्यान रहे, यानी संघर्ष जिसके जीवन में न हो, आंसू जिसके जीवन में हो, पश्चाताप जिसके जीवन में न हो, देखिए गलतियां सभी से हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों से भी सीखते हुए, संघर्ष करते हुए अपने आप को स्थापित करना बड़ा कठिन तो होता है, लेकिन ये जीवन का सच्चा सीखना है। यानी जीवन सीखने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, जीवन सीखने के लिए आपको आंसुओं की धारा में बहना ही पड़ेगा। काहे का मान कैसा अपमान, ध्यान रखिए, हम अपने अहंकार को लेकर के छोटी छोटी चीज पर अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, लेकिन हमारे मान और अपमान की बात क्या? ध्यान रहे, जहाँ बड़े बड़े राजे रजवाड़े न जाने बड़े बड़े साम्राज्य ध्वस्त हो गए, तब हमारे एक व्यक्ति का मान और अपमान कैसा है? इसलिए हमें किसी प्रकार से मान अपमान की चिंता किए बिना संघर्ष करते रहना चाहिए, सिर्फ कर्म करती रहो। देखिए माँ ने रजनी से कहा, रजनी अपनी बेटी से कह रही है, कर्म करते रहो, उसी पर तुम्हारा अख्तियार है।
ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के तीसरे अध्याय में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पर तुम्हारा अख्तियार है, अधिकार है, फल पर नहीं। फल देना तो परमात्मा की कृपा हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सिर्फ कर्म करती रहो, उसी पर तुम्हारा अख्तियार है। दुनिया के तमाम रिश्तों पर स्वार्थ की मोटी चादर पड़ी रहती है, सो इस तरह से निरपेक्ष होने की कोशिश करो। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, उन सभी वे सारे के सारे रिश्ते स्वार्थ से बंधे होते हैं। कोई अगर आपको कुछ अच्छा कह रहा है, भला कह रहा है, तो समझिए कि वो रिश्ता आपसे कुछ ना कुछ स्वार्थ की अपेक्षा कर रहा है। इसलिए जितने भी संसार के रिश्ते हैं, वो सारे के सारे स्वार्थ की मोटी चादर से लपेटे हुए हैं। इसलिए ये काम करो, अपना कर्तव्य अवश्य करो, लेकिन अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति आपको फंसाना चाहे तो भी उससे निरपेक्ष हो जाओ। एक बात अभी मैंने कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुः मा संगोत्स्वनि कर्मणि, यानी असंग रहो उससे, मतलब निरपेक्ष रहो। जब तक आप निरपेक्ष कर्म नहीं करेंगे, आप उस कर्म के फल के बंधन के साथ जुड़ जाएंगे और आप ये आशा करेंगे कि मेरे साथ ये कर्म करने पर ऐसा होगा। अगर वैसा नहीं हो जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं। अगर आपको दुखी नहीं होना है, आपको अगर अपेक्षा भंग का दुख सहना नहीं है, तो कोई अपेक्षा ही मत रखो। सबसे बड़ी बात है ये। इसलिए रजनी की माँ ने रजनी से जो कहा, वही रजनी अपनी बेटी से कह रही है। लेकिन तनाव से बिलबिलाते मन में कहाँ से उपजेगी नेह की सरसता या निरसता। देखिए, जिसके मन में तनाव होता है, ताण से कहा जाता है, टेंशन होता है, उस टेंशन तनाव या ताण के कारण जो मन बिलबिला रहा है, दुखी है, कराह रहा है, उसमें कहाँ से प्रेम पैदा होगा। इसलिए तनाव से दूर, यानी प्रेम की सरसता या निरसता तनावग्रस्त मन में कभी निर्माण नहीं। कांटों के बीच कोई फूल की कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, फूलों को देखने छूने की कल्पना कोई भले ही कर ले, मगर सूंघने और पाने के ख्वाब दरकिनार करने ही होंगे। कितनी बड़ी बात कही। देखिए, हम सब देखिए फूल रूपी सुखों को पाना चाहते हैं, लेकिन कांटे रूपी दुखों से दूर रहना चाहते हैं। अब देखिए, जिस सुख को, जिस फूल को आप छूने की कल्पना कर सकते, मगर उस फूल को तोड़ करके सूंघना, उसको स्पर्श करना, उसे पा लेना, ये सपने हमें छोड़ने पड़ेंगे। एंड देखिए, जो सचमुच सचमुच जो आनंदित रहना चाहता है, तो उसे तान तनाव से गुजरते हुए भी सुख की कल्पना अवश्य करें, लेकिन सुख मिले ही इसकी अपेक्षा न करें। लेकिन कभी लगता है अचानक पूरा रास्ता पार करते पता चले, मतलब जहां आपको जाना है वो रास्ता आपने पूरा तय कर लिया और लक्ष्य के पास गए और कहते हैं, या अरे अरे, यहाँ कहाँ आ गई, यह तो बिल्कुल उल्टा रास्ता है, जाना पहुंचना था न जाने कहाँ, यानी जाना था जहाँ हम पहुंच गए, कि ऐसा हो गया। मतलब जिस रास्ते पे आप निकल पड़ रहे हैं, खास करके महिला वर्ग निकल पड़ रहा है, तो उस जिस रास्ते को तय करके जिस मंजिल को, जिस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, और पता चलता है कि वो लक्ष्य ही दूसरा है, उल्टा है, बिल्कुल विपरीत दिशा में हम चले हैं, फिर कैसा लगेगा, कितना बड़ा अपेक्षा भंग होगा। यानी शून्य से शिखर तक पहुंचकर फिर शून्य पर लौटना, यानी तय करना, फर्श से अर्श तक चला जाना और फिर उससे नीचे गिर पड़ना, ये हमारी मंजिल नहीं थी। वेदना में डूबा सन्नाटा इतना विशाल स्पेस लिए था, गोया अनंत छोर वाला समुद्र। यानी वेदना का सन्नाटा, यहाँ सन्नाटा मतलब निःशब्द था, कोई आवाज नहीं है, कोई रव नहीं है, निरवता है पूरी तरह से, और इतना इतनी विशाल थी वो चीज़, इतना विशाल सन्नाटा था, इतने निःशब्द था, जैसे लगता है कि अनंत समुद्र का छोर हो, मतलब समुद्र का किनारा आपको कभी नजर नहीं आता, नदी का नजर आ सकता है, यानी समुद्र का कौन सा किनारा है, आगे कहाँ है, ये अनंत है, पता नहीं चलता कितनी दूर है। अब देखिए, ये स्त्रियों की स्थिति, लेकिन पुरुष, ध्यान रखें, पुरुष को लगता होगा मैं सम्राट हूँ, यानी कोई भी पुरुष हो
पति के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, कोई भी हो, उसे लगता है कि मैं इस घर का सम्राट हूं। और सो सम्राट के शासन में रहने वाली प्रजा अर्थात स्त्री या पत्नी को मुझे चुनौती देने का कोई हक नहीं है। मतलब स्त्री कभी भी पुरुष के साम्राज्य को चुनौती नहीं दे सकती, ऐसा पुरुष का मानना है। ये मेरी सत्ता है, मेरी हैसियत है, मेरा प्रभाव है, यानी आतंक, प्रभाव नहीं आतंक। सो मेरे शासन में रहने वाली प्रजा मेरे बराबर होने की मुगालता पालती ही क्यों है। मुगालता का अर्थ होता है भ्रम। ये भ्रम कैसे कि स्त्री पुरुष के बराबर हो जाएगी, इसे तुरंत लतिया कर इसे इसका आईना दिखा दो। लतिया कर मतलब लात मार कर, इसका आईना दिखा दो, मतलब दो कौड़ी की हैसियत नहीं तुम्हारी, मतलब आईना दिखाना मतलब तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाना, वरना इसका सिर चढ़ जाएगा और खुद को लाट साहब समझने लगेगी। मतलब स्त्री को अगर ज्यादा महत्व दे पुरुष तो क्या हो जाएगा, वो सिर पर बैठेगी, लाट साहब मतलब लॉर्ड बन जाएगी। यदि मनमर्जी होगी तो प्रजा से शेयर कर ही लेंगे, वरना मेरा प्रभुत्व है। मतलब पुरुष को जब लगेगा कि ये बात वो अपनी पत्नी से या अपनी बीवी से या स्त्री से साझा कर सकता है तो मनमर्जी के अनुसार कर लेगा, वरना प्रभुत्व मतलब अधिकार तो मेरा है, मैं करूं या ना करूं, मेरे घर संसार में मेरा रुतबा चलेगा। सो मेरी अनुमति या सहमति के प्रजा की हिम्मत कैसे हुई कि वह मन में कुछ भी करने की बात सोच ले। मतलब ये साम्राज्य मेरा है, पुरुष कह रहा है, तो ऐसा स्त्री को लग रहा है, ध्यान रखिए कि ये घर संसार तो मेरा है, मेरा रुतबा चलेगा, मेरी प्रतिष्ठा चलेगी, तो मेरी बिना अनुमति या बिना सहमति के स्त्री को कुछ सोचने तक का अधिकार नहीं है। मन में कोई बात भी न लाए प्रजा अर्थात स्त्री को सोचने का हक नहीं होता, क्योंकि प्रजा सिर्फ प्रजा होती है, प्रजा सिर्फ प्रजा होती है, सिर्फ खाने सोने पहनने ओढ़ने वाली जगह, और जिसे सिर छिपा कर सोने की जगह हम दे दें तो उस प्रजा को यह गलतफहमी कैसे हो कि वह उस छत को अपना घर समझने लगे। मतलब स्त्री जिस घर में रह रही है, ससुराल या कोई भवन हो उसका, तो उस भवन की वो अधिकारिणी नहीं, अभी तो उसे केवल उसका शरण स्थान है, ऐसा पुरुष का मानना है। यदि हमने पेट भरने सिर छुपाने के लिए दया करके थोड़ी सी जगह रहने को दे दी तो जगह दे दी तो प्रजा को हमारे एहसानों के तले दब कर रहना चाहिए। यानी पुरुष स्त्री को अपने घर में रहने के लिए जगह देता है, इसका मतलब पुरुष ये मान रहा है कि ये उसकी प्रजा है और उसके एहसानों के मतलब खाने पीने उड़ने सोने और रहने के लिए एक छत, इसके एहसानों के उपकारों के तले दब कर के स्त्री ने रहना चाहिए, ऐसा पुरुष का मानना है। वक्त बे वक्त सम्राट की जय जयकार करनी चाहिए, जब कहे समय हो या न हो फिर भी स्त्री को पुरुष की जय जयकार करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टी हवाएं चलने लग गई, लोकतंत्र जैसी हवाएं क्यों कर चलने लगी। अब ध्यान रखिए, जब रजनी की माँ का विवाह हो चुका था तब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन रजनी का जब विवाह हो चुका देश स्वतंत्र हो चुका था, और देखते हैं कि यहाँ लोकतंत्र आ चुका था, मतलब पहले जैसा राजतंत्र नहीं रहा। और लोकतंत्र जैसी हवाएं क्यों कर चलने लग गई, ज्यादा उड़ने लगे तो प्रजा को अर्थात स्त्री को मार पीट करके, ठोक पीट करके उसकी औकात समझा दो ठीक से तुरंत, क्योंकि सम्राट आखिर सम्राट होता है, सिर्फ सम्राट। यानी लोकशाही आ गई, लोकतंत्र आ गया, जनतंत्र आ गया, फिर भी पारिवारिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऐसा लेखिका का कहना है।
आगे कह रहे, देखिए वो, प्रजा को तो आंखें मूंद कर सिर्फ आदेश का पालन करना चाहिए। मतलब राजा जिस प्रकार से, सम्राट जिस प्रकार से आदेश दे, आज्ञा दे, उसी आज्ञा का पालन उसे करना होगा। विजयी भाव धारण करता हिंस पशु जैसे भावों को पहन लेता है और सिंह नख शिख से डरा कर पलटवार करने से नहीं चूकता। यानी विजयी भाव धारण करने वाला जो हिंस पशु है वो हमेशा अपने नख दांत और सिंह से ये दिखाने की कोशिश करता है कि पलटवार वो कर सकता है। बार बार आंखें निकाल कर लतियाने में कोई गुरेज नहीं रहना चाहिए। मतलब स्त्रियों को हमेशा लात मार करके उसे उसके औकात दिखाते रहने चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा पुरुष का भाव यहाँ दिखाई देता है। वो सोचता भी नहीं कि इस मान अपमान के बारे में, मतलब स्त्री को कितने उसके अपमान उसका हो रहा है, उसके मन को कितनी ठेस पहुँच रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता वह सम्राट। इस जीवन में सिर्फ काम पर ही अधिकार है, इसलिए क्या करना चाहिए, किसी से अपेक्षा मत करो, न मान की न अपमान की। तो क्या कर रहे, करते रहो, सिर्फ काम करते रहो। जो नियति ने या परमपिता परमात्मा ने जो काम हमें सौंपा हुआ है वो काम करते रहो, सो पूरा मन लगाकर काम करूंगी, रजनी कह रही है। देखिए ये रजनी की माँ कह रही है। पाना वाना कुछ नहीं मिलता यहाँ, जो धीरे धीरे होता चले वही ठीक, मोह किसी से भी नहीं, यह एकमात्र सच्चाई है। ध्यान रहे, काम करते रहो, उसका फल मिले न मिले बात अलग है, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, पर धीरे धीरे जो चलता रहता है वो ठीक है। और मोहग्रस्त होकर के कोई कुछ पा नहीं सकता। जीवन की एकमात्र सच्चाई है कि आप अपने मोह को टाल करके कुछ पाने का प्रयास करेंगे तो ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, वरना कुछ आपको मिलेगा। अब इसके उपरांत 2 फरवरी 2002, मतलब लगभग 2 वर्ष आगे जा करके अचानक, मतलब दैनंदिनी में कभी कभी डायरी में कुछ लगातार पन्नों की जगह आगे बढ़ करके कुछ आगे आगे का यहाँ लिखा जा रहा है, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। कोई भी सच संपूर्ण सच नहीं होता, हो भी नहीं सकता। ध्यान रखिए, जिस प्रकार से किसी गहने को बनाने में 100% सोने का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं दूसरे धातु का दाग लगाया जाता है, इसलिए उसे कागिना कहा जाता है। इसी प्रकार से कोई भी सच संपूर्ण सच नहीं होता, 100% सच नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं असत्य का या अर्ध सत्य का या पौन सत्य का या पाव सत्य का कहीं ना कहीं दाग दिया जाता है। कभी कभी ऐसा खुशनुमा मौसम आता है जैसे सारी प्राणवायु देह के पोर पोर में समा गई हो, सोए एहसास अचानक स्वतस्फूर्त वेग से यूं जग गए जैसे वे कभी सोए ही न हो। चारों तरफ से वेग से चलती हवाओं के साथ आती खुशबू से भीग गई मैं। अब ये थोड़ा सा अलग वर्णन है, एकदम दुख से फिर सुख की ओर। एक नितांत वैयक्तिकता, पारिवारिक दृष्टि से वैयक्तिक होते हुए स्त्री क्या सोच रही, देखिए। सोए एहसास अचानक स्वयं स्फूर्त वेग से यूं जग गए जिसे कभी सोए ही न हो। चारों तरफ से वेग से चलती हवाओं के साथ आती खुशबू से भीग गई मैं। क्या नाम दो इसे, वर्णनातीत है यह एहसास गूंगे के गुड़ जैसा। गूंगा मतलब मुका, किसी मुके व्यक्ति को, गूंगे व्यक्ति को गुड़ खाने दिया जाए और पूछा जाए कितना मीठा है, एक तो बोल नहीं सकता, कैसे बता दिया जाए, बताएगा कि कितना उसे मीठा लगा। वैसा सारे वाद्य अचानक एक धुन में बज उठते हैं, कैसे भी ऊंचाइयों तक पहुंचते लांघने का मन करने लगा। यकीनन प्रेम में डूबा व्यक्ति पहाड़ों से शिखर पर चढ़ते जैसे दुर्गम मार्गों पर भी उछलता कूदता चला जाए, हंसते हंसते जान गंवाना भी उसके लिए एक मामूली सा खेल बन जाए। इस कशिश को क्या शब्द दूं, बेचैनियां हैं, अतृप्ति है, छटपटाहट भी और लगातार चलते चलने वाले अधूरेपन का बोध भी, संपूर्णता जैसा एहसास जुगनू की तरह। जुगनू, जुगनू एक ऐसा विशिष्ट कीड़ा होता है जिसके पूंछ में प्रकाश होता है। संपूर्णता जैसे जैसा एहसास जुगनू की तरह चमक कर लुप्त हो जाता है। फिर इस बीच जबरदस्त आंधियां चलने लगती हैं, देह का पूर पूर धूल से सना है,
गुनगुनाता मन भोरे की तरह है, यहाँ वहाँ दौड़ रहा है। कभी मृग तृष्णा जैसे अनुभूति पनपती है तो कभी जल्दी जल्दी सब कुछ अपने भीतर संजो कर रखने का मन करता है, तो कभी बेफिक्री का आलम होता है, चाहे जो हो जाए। कुछ एहसासों को चाह कर भी शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। अपना श्रेष्ठ देने के बाद व्यक्ति कितना खाली हो जाता है तो दूसरी तरफ से भरा भी, मतलब जिस व्यक्ति के पास बहुत कुछ अच्छा ही है वो किसी और को दे देता है तो वो खुद खाली हो जाता है, लेकिन दूसरों को देने का आनंद भी उसे हो जाता है। यानी भरा पात्र दुनिया की निगाहों से खुद को बचाता हुआ अपनी गुरुता के बोझ को तय जीता है, मतलब जिसके पास कुछ अच्छाई है उसने किसी और को दी तो वो अच्छाई उसके लिए बोझ बन जाती है जिसने अभी अभी उस अच्छाई को लिया है। गुरुता मतलब बोझ, अपने आप उसके भीतर में से भाव भरते जाते हैं। आवेग से भरा व्यक्ति तीव्रता के साथ झटपट दूसरे पात्र में खुद को फेंक करके निर्द्वंद्वता की नींद में सो जाता है, जबकि भरे पात्र को पूरे होशो हवास के साथ जीवंतता और जिम्मेदारी को साथ संभाल कर सहेजना पड़ता है ताकि कुछ भी न छलक पाए। देखिए इसमें ऐसा कहा गया है कि एक पात्र पूरा लबालब भरा हुआ है, चाहे वो घड़ा हो चाहे किसी भी प्रकार का चषक वगैरह हो, अगर उसमें से वो उंडेल कर दूसरे में डाला जाता है तो पहला खाली हो जाता है, उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, लेकिन जिसमें वो पानी भरा है, जिसमें वो रस भरा है, वह अपने आप लबालब पूरा है और उससे फिर होश में आना पड़ता है कि वह कहीं छलक न जाए। दृश्य दर दृश्य भर भरा कर गिरते हैं, त्वरा त्वरा मतलब जल्दी, आतुरता आवेग और जोश खरोश से चलती यात्रा अधिकतम संभव स्थलों को, अधिकतम संभव स्पेस को न्यूनतम समय में घेरती है। ध्यान रखिए जब दृश्य एक के बाद एक आते हैं, वेगवती हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा बात को बहुत कम शब्दों में कहना, बहुत बड़े अंतराल को बहुत कम स्पेस में दबाने की कोशिश की जाती है, घेर जाती है। अक्सर यात्रा के दौरान गंतव्य को हम भूल जाते हैं, मतलब अगर कोई हम यात्रा कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, चाहे बस से कर रहे हैं, चाहे रेल से कर रहे हैं, चाहे विमान से कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए, हमें एक बार हम जिस गाड़ी में बैठे, हमें समझिए दिल्ली जाए, दिल्ली की गाड़ी में अगर बैठ गए हम तो हम ये सोचते नहीं ये गाड़ी अपने आप दिल्ली जाएगी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए अपना गंतव्य स्थान हुआ दिल्ली या कोई भी अन्य हो उसको थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं और देखने लगते हैं कि बाहर क्या चल रहा है खिड़की में से। बस अधिकतम संभव स्पेस को छूने देखने की ललक हमारे भीतर बढ़ती है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, जितने दृश्य दिखें खिड़की में से, उन सभी दृश्यों के साक्षी बनने का हम प्रयास करते हैं, उसको अपने भीतर समेटने का प्रयास करते हैं, उन स्मृतियों को, उन दृश्यों को, उन आवाज़ों को जो हमारे प्रवास के दौरान, यात्रा के दौरान हमारे कान पर आते हैं, हमारे आँखों के सामने आ जाते हैं। प्रचंड आंधी वेग से चल रही और धीमी रिमझिम क्रमशः मूसलाधार बारिश में तब्दील होती गई। क्या होता है, देखिए जब बारिश आती है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी 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 बारिश आती है और फिर वह अचानक मूसलाधार वर्षा में परिवर्तित हो जाती है। उतनी लंबी अनवरत चलने वाली बरसात जैसे थमने का नाम नहीं लेती थी, मतलब ऐसी बरसात जो ठहरने का नाम नहीं लेती है, चल रही है, चलती जा रही मूसलाधार बारिश, बारिश गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। धरती कितना सहेगी, अब जितना जितनी बरसात हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, या आखिर मिट्टी कितना सहेगी, यह धरती कितना सहेगी। तड़ तड़ पड़ती तेज बौछारों को बर्दाश्त करने की धरती के आंचल में कीचड़ ही कीचड़ था, सभी ओर मिट्टी कीचड़ बन चुकी थी, कीचड़ चिकल, पानी की रेलम पेल चल रही थी। अनायास बीच में कमर्शियल ब्रेक की तरह बारिश थमी और धरती शांत हो गई। जैसे देखिए कोई टीवी आप देख रहे हैं या कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, बीच में कोई कमर्शियल ब्रेक आ जाता है, जाहिरात आ जाती है, थोड़ी देर के लिए जो प्रवाह चल रहा था उस सीरियल का या सीरीज का थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वैसे ही अचानक बारिश थम गई और सब धरती शांत हो गई। लगा जैसे आसमान में इस वक्त अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी हो। क्रमशः उड़ते घुमड़ते गरजते बादलों ने आसमान की छाती में दुबकने की जुगत बिठाई, जुगत मतलब युक्ति आइडिया, जुगत बिठाई और इस तरह से शांत हो गए बादल। घंटे भर लगातार बारिश और उसके बाद ब्रेक। कुछ एक खुशगवार एहसास लौट लौट कर
दस्तक देते हैं, इस थीम की ज्यादा चीरफाड़ नहीं की जा सकती। मतलब देखिए कि मनुष्य अपनी स्मृतियों में जा करके कुछ ऐसे अनुभव जो खुशी देने वाले अनुभव हों, वह बार बार उन्हें याद करता है, अपने हृदय पर वो दस्तक हो जाती है कि हमारा पुनरावर्तन कर लो, एक बार हमारी स्मृतियां कर लो। लेकिन इस चीज़ को हम ज़्यादा चिपड़ करके देख नहीं सकते, हर बार पुनर्नवा की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं जादू या एहसास। देखिए एक ही घटना जो आपने भोगी होती है या आपने देखी होती है, एक ही घटना, वही घटना आपको स्मृतियों के रूप में अलग अलग नजर आती है। वो एक ही बार का सत्य आपके यादों में अलग अलग सत्यों के रूप में एक जादुई यानी ऐंद्रजालिक रीति से वो अनुभव आपके सामने आ जाता है, कभी धीमी गति से तो कभी तीव्र गति से, कभी धीमी गति से मतलब धीरे धीरे, और कभी तीव्र मतलब अत्यंत वेग से, कभी मध्यम मतलब धीरे, न वेग और न ही धीरे मतलब उस उन दोनों के बीच में मध्यम गति से, मगर मूल थीम हर बार अलग अलग आकार प्रकार में रिपीट होती रहती है। मतलब एक ही स्मृति है और एक ही स्मृति के अनेक स्मृतियाँ अलग अलग पद्धति से, अलग अलग रीति से, अलग अलग वेगों से, अलग अलग संवेगों से, अलग अलग आवेगों से हमारे मन में बार बार पुनरावृत्त होती है, पुनर्नवा की शक्ल हो जाती है। पुनर्नवा एक विशिष्ट वनस्पति है जिसका अर्थ ये होता है कि उसके खाने पर हमारा शरीर पहले जैसा हो जाता है, नवीन हो जाता है। यानी इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जितनी भी याददाश्त होती है, जितनी भी हमारे स्मृतियाँ होती है, वो स्मृतियाँ हमेशा नए रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं, और ये नया रूप कभी वेगवान होता है तो कभी धीमा होता है, कभी मध्यम होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चार दिनों का आपके सामने मतलब 2 फरवरी 2002 तक की डायरी हमने आपके सम्मुख रखी। कल हम 19 सितंबर कल मतलब अगले सोमवार को, आज गुरुवार है, अगले सोमवार को 19 सितंबर 2002 की डायरी हम आपको पढ़ने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार आगे हम जाने की कोशिश करेंगे। अब उसके बाद 15 अप्रैल 2003 यानी लेखिका जहाँ जहाँ गई, जिस जिस प्रकार से गई, वो सारे अनुभव इस डायरी में आपके सम्मुख प्रस्तुत करती जाती है। मतलब 1999 से लेकर के 2003 तक की यादें इन इस डायरी के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है, हमारा समय भी हो रहा है, तो मेरे फिर से आपसे गुजारिश है कि अधिक छात्र शामिल होने का प्रयास कीजिए। आज बहुत से छात्र शामिल हुए, पता नहीं बीच में क्यों छोड़ गए, ये सब आपके ही पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए आप सभी को उपस्थित रहना चाहिए। अगर कोई बीच में छोड़ गया हो या कोई आज की इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाया हो, उसके लिए YouTube लिंक तो आपको आपके लिए प्रस्तुत ही की जाएगी। आप सब जो शामिल हुए उनका धन्यवाद, और जो नहीं शामिल हुए वो सोमवार से फिर से शामिल होने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।